रहमानिर रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डेटा रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर मैथमेटिक्स प्रेप क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट हमारे पास 2D शेप्स का है, और कॉन्सेप्ट में हम जो शेप देखेंगे वो हमारे पास है ओवल। ओवल हमारे पास एक ऐसी शेप है जिसकी ज़ीरो हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन जब हम इसकी साइड्स के बारे में बात करते हैं तो यस, ओवल की हमारे पास 1 कर्व्ड साइड होती है। ओवल को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ओवल की एक राइम देखेंगे। द ओवल राइम। आई एम ऑस्कर ओवल, अ फुटबॉल शेप इज माइन, सम पीपल थिंक दैट आई एम एन एग, बट आई थिंक आई लुक फाइन। नाउ अब ये हमारे पास कुछ गेस करते हैं, लेट्स सी हमें क्या दिखा रहा है ये, कि ये क्या है। यस 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 यस, दिस इज आई गेस एवोकाडो। नेक्स्ट, नाउ ये कौन सी शेप है, सीम्स लाइक एन लेमन, सो लेट्स चेक। यस लेमन, यहाँ देखते हैं। Yes, mirror. ये देखते हैं ये क्या है, मुझे तो ये बांझ से उतरे हुए ग्रेप्स लग रहे हैं। Yes. Now see. Yes, watermelon. अब ये देखते हैं। यस टेनिस रैकेट। जी अब तक हमने सारी शेप्स देख ली हैं, तो चलें अब हम अपनी शेप्स को कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास कौन सी शेप्स है, कितने कॉर्नर्स हैं, अब हम इनको भी देखते हैं। चलें जी अब हम देखते हैं हमारे पास जो साइड्स होती हैं हमारे पास ओवल की। जब हम ओवल के बारे में बात करते हैं तो ओवल की हमारे पास 1 साइड होती है, कॉर्नर हमारे पास 0 होते हैं। ट्राइंगल 3 साइड 3 कॉर्नर्स। हमारे पास रेक्टेंगल्स के होते हैं 4 sides and 4 corners। स्क्वेयर के 4 equal sides होती हैं and 4 ही corners होते हैं। सर्कल का हमारे पास 0 corner and 0 ही side हमारे पास होती है। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। यहाँ पर हमने इस पिक्चर में अब कुछ ओवल्स ढूंढने हैं, सो लेट्स फाइंड। ये यस ये ओवल्स रह गए हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द कितने ओवल्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आप देखें तो आपको अपनी सराउंडिंग में कोई मिरर ओवल की शेप का मिल सकता है, कोई आपके पास ग्लास की टॉप ओवल शेप की हो सकती है, कोई आपके पास किसी रिस्ट वॉच का डायल ओवल शेप का हो सकता है। आपको बहुत सारी शेप्स ओवल की मिलेंगी। तो अब चलते हैं रिवीजन की तरफ, और रिवीजन में हम इस फन लैंड में हैं, तो देखते हैं कि इस फन लैंड में हमें कितनी शेप्स नज़र आएंगी। सो लेट्स फाइंड। जी यहाँ पर हमें कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास पूरा दिस वन है ये रेक्टेंगल शेप का है, ये वाला पिज्ज़ा हमारे पास रेक्टेंगल है, ये वाला पिज्ज़ा हमारे पास स्क्वायर है, एंड दिस इज सर्कल। यहाँ पर भी हमें कुछ शेप्स नज़र आएंगी, सो लेट्स फाइंड। हमारे पास ये देखें जी, ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं सारे, ये स्क्वायर्स बन रहे हैं, ये राउंड है, सर्कल है यानी कि। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें बहुत शेप नज़र आएंगी। यहाँ पर हमें जो ये नीचे वाली शेप नज़र अगर हमें आ रही है तो ये हमारे पास हमारी रेक्टेंगल की शेप बन रही है। इधर देखें तो ये हमारे पास ट्राइंगल शेप है, यहाँ पे देखें तो ये सारे हमारे पास ट्राइंगल की शेप्स में हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस जगलर के हाथ में ये जितने भी ये बॉल्स हैं ये हमें सर्कल्स में नज़र आ रहे हैं। बैलून्स ओवल में हैं। अब अगर इस ट्रक को देखें तो ये व्हील्स जो हैं हमारे पास अंदर वाले भी ये सारे ये हमारे पास सर्कल्स हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, दिस वन इज़ रेक्टेंगल। इस तरीके की हमें बहुत सारी शेप्स यहाँ पे भी नज़र आएंगी। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 16 पे। बुक का पेज नंबर 16 हमें यही बता रहा है किस किस की कर्व लाइंस होती हैं, जो अभी हमने देखा किस किस 0 कॉर्नर 0 साइड्स होती हैं,
टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, टोटल फोर साइड्स होती हैं और फोर ही कॉर्नर्स होते हैं. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, फोर कॉर्नर्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं, थ्री ही कॉर्नर्स होते हैं. ओवल हमारे पास इसकी ये शेप होती है. ना अब चलते हैं हम अपनी सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ओवल में कि किसकी क्या हमारे पास शक्ल है. जैसे कि ये डोर है, ये रेक्टेंगल है, ये पिज्ज़ा है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, यहाँ पर हमने ये लिखना है. क्लॉक है, ये हमारे पास सर्कल की शेप में है. अगेन हमारे पास ये जो फ्लैग सा बना हुआ है, ये हमारे पास ट्राइंगल है. एनवलप हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है. एंड दिस एग इज ओवल. नाउ पेज नंबर 18 पे आपने शेप्स काउंट करनी है और साथ साथ लिखना है कि कितनी शेप्स हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में पता चल रहा है कि सर्कल 6 हैं, लेकिन हम पहले काउंट करेंगे कैसे. 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आईज भी काउंट की हुई है. 6 ट्राइंगल्स कितने हैं, लेट्स काउंट 1, 2, 3 एंड 4. और ओवल हमारे पास कितना है, 1, बिकॉज ये जो इसका लिप बने हुए हैं ये ओवल है. अब इसी तरीके से हम काउंट करेंगे अपनी यहाँ पर शेप. सो यहाँ पर हमें निचली पिक्चर में 2 शेप्स को काउंट करना है. एक रेक्टेंगल है और एक हमारे पास ट्राइंगल है. तो पहले हम काउंट करेंगे रेक्टेंगल 1, 2 एंड 3. हाउ मैनी रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल हो गए 3. एंड हाउ मैनी ट्राइंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ट्राइंगल्स. नाउ अगली हमारे पास जो शेप है, इसमें हमने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ओवल इन सब को फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे सर्कल्स. सर्कल्स को देखें तो 1 एंड 2 सिर्फ आई सर्कल्स हैं. स्क्वायर को देखें तो ये जो इसका फेस है, ये हमारे पास स्क्वायर है विच इज़ 1. अब अगर हम रेक्टेंगल को देखते हैं तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल तो कोई भी नहीं मिल रहा, तो वी हैव 0 रेक्टेंगल. ट्राइंगल्स देखते हैं अगर हमारे पास, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास हमारे जो ओवल्स हैं वो कितने हैं, 1 एंड 2 ओवल्स हैं, बल्कि हमें यहाँ ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं. तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स, 1, 2, 3 एंड 4 हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स भी नज़र आ रहे हैं. नाउ अब यहाँ पे सर्कल्स काउंट करते हैं कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास सर्कल्स हैं. तो ये 6 सर्कल्स हो गए, सर्कल्स हो गए. स्क्वायर कितना है, ये हमारे पास 1 और ये वाली जो आई है तो ये 2 हमारे पास सर्कल्स हो गए. रेक्टेंगल कितने हैं, सॉरी स्क्वायर्स कितने हैं, ये वाली आई एंड दिस, तो हमारे पास 4 स्क्वायर्स हो गए. और हमारे पास रेक्टेंगल्स कितने हैं, रेक्टेंगल्स हमें मिलेंगे 1, 2 रेक्टेंगल्स हैं और ये एक ट्राइंगल है तो 1 ट्राइंगल. अब यहाँ पे सर्कल्स कितने हैं, हमें यहाँ पे ओनली 1 एंड 2, ये टायर्स की सूरत में सर्कल्स हैं. स्क्वायर हमें सिर्फ ये मिला है 1, रेक्टेंगल 1 एंड 2, ट्राइंगल ओनली 1 एंड दीज 2 आर ओवल. अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे सर्कल्स इस पिक्चर में कितने हैं, तो सर्कल इस पिक्चर 1 एंड 2 हमें सर्कल्स जो नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में. अगर हम इस पिक्चर को देखें जो कि हमारी लास्ट पिक्चर है इस पेज की, तो हमारे पास ये एंड दिस 1, 2 सर्कल्स हैं. अगर हम अपने स्क्वायर्स को देखें तो 1 एंड 2 स्क्वायर्स हैं. ट्राइंगल देखें तो 1 एंड 2 ट्राइंगल्स हैं. अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो ये एक कंप्लीट हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा. अगर हम इसको रेक्टेंगल को देखते हैं तो ये कंप्लीट एक इस किस्म से हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा एंड दिस इज 1 ओवल. सो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.